हैं और श्री राम वृंदावन प्रेम भूमि है। ध्यान दें, वैदिक भगवान को पाना बड़ा कठिन है, वेदों के परमात्मा को पाना सरल नहीं है, शास्त्र जिस परमात्मा की बात करते हैं उसको पाना सरल नहीं है, क्योंकि वेदों के भगवान को पाने का अधिकार वही है जो वैदिक नियम की पालना करेगा। अब वैदिक नियम बड़े कड़े हैं, सुबह उठो 4 बजे, ना उठ पाओ तो वैदिक परमात्मा नहीं मिलेगा। जिसको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान है वही वेदों के नियम को जान पाएगा, वही वेद को समझ पाएगा, और जब समझेगा तब वैदिक परमात्मा मिलेगा। इसलिए वेद के परमात्मा को पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन भागवत का यह वृंदावन विहारी बड़ा सरस है, बड़ा सरस है। तुम जिस भी भाव से आ जाओ स्वीकार है, केवल भाव लेकर आओ कि गोविंद में आपको देखना है, एक झलक आपकी देखना है। ये भागवत प्रेममय ग्रंथ है। भागवत श्री नारायण के मुख से प्रकट हुई है, स्वयं भगवान नारायण ने भागवत का उपदेश किया है। नारायण ने भागवत धर्म का उपदेश ब्रह्मदेव को किया, ब्रह्मदेव ने उसी भागवत का परम उपदेश नारद जी को किया है, नारद जी ने उसी भागवत का परम उपदेश वेद व्यास जी महाराज को किया, और वेद व्यास जी महाराज ने उसी भागवत का उपदेश सुखदेव जी को किया है, और सुखदेव जी के माध्यम से यही कथा प्रक्षित तक पहुंची है, और प्रक्षित के माध्यम से ये कथा आज जन जन तक पहुंची है। परम प्रेम परम रस गोविंद ने खुद कहा है, सुनना जरा ध्यान से। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवतस्य कपिला दानज फलम्। हर घर में भागवत होनी चाहिए, ये गोविंद खुद कहते हैं। घर घर में भागवत होनी चाहिए, घर घर में भागवत का पाठ होना चाहिए, और जिस घर में भागवत रहती है नित्य प्रति मेरी भागवत की आरती होती है, नित्य प्रति जहां पर लोग मेरे भागवत के सामने प्रणाम करते हैं, उस घर में कभी भी कलयुग नहीं रहता, वहां पर साक्षात मैं अपने प्राण बलवा राधा के साथ सदा रहता हूँ, विराजमान रहता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी की जय। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलानज फलम्। जहां पर नित्य प्रति मेरी भागवत का पाठ होता है, मात्र एक श्लोक का भी तुम अध्ययन हर रोज कर लेते हो, तो उस व्यक्ति को मैं कपिला गऊ दान देने का फल प्रदान कर देता हूं। ये गोविंद खुद कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान ठाकुर के मुख से निकलने वाले शब्द हैं। भागवत की महिमा खुद गोविंद ने कही है, क्योंकि भागवत का परम उपदेश, भागवत का परम धर्म का उपदेश स्वयं नारायण ने दिया है।